भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में हुई लापरवाही के कारण दो कोरोना मरीज की मौत के मामले में जयप्रकाश अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि मरीज की मौत अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी या इलाज की वजह से नहीं हुई है। अस्पताल में 50 से 60 सिलेंडर मौजूद हैं। दोनों मरीज को सीरियस हालत में इलाज के लिए लाया गया था। वहीं प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का इलाज किया जा रहा था। परिजन खुद डेड बॉडी ले जाने की जिद कर रहे थे। प्रोटोकॉल की जानकारी उन्हें नहीं थी। कोविड मरीज की डेड बॉडी ले जाने के मामले में वीडियो वायरल हुआ था। देखिए, दो मरीज भर्ती हुए थे, उस दो रात को उस रात की घटना है। पहला तो ये कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ सेंट्रल लाइन से सप्लाई होती है, वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी। लगभग 50 सिलेंडर, जो बड़े सिलेंडर होते हैं, उससे अधिक मात्रा में थी। लगभग 50-60 के बीच में लगभग थी मात्रा में, तो ऑक्सीजन तो बहुत पर्याप्त थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मरीज को सीरियस हालत में रामरती जी देवी जी हैं, जो इनकी मृत्यु हुई, तो सीरियस हालत में लाया गया था उनको। 28 तारीख को लाया गया था, और लगभग उसके पहले भी 4 दिन से वो बीमारी थी उनको, और उनको डायबिटीज़ भी साथ थी। जब भर्ती करा गया, जब भी डॉक्टरों ने बताया था भाई सीरियस हालत में है, लेकिन सब जो प्रोटोकॉल के अनुसार उनका पूरा पूर्ण रूप से इलाज किया गया। वहाँ पे हम लोगों के यहाँ मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर हैं, जो ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं, वो भी देख रेख में उनको ऑक्सीजन दी जा रही थी। और उनको जब हायर सेंटर में रेफर करने की बात भी हुई थी कि भाई हमीदिया अस्पताल बड़ा कर्शाई सेंटर में भेजा जाए, तो उस समय उनको बताया गया, तो वो उन्होंने खुद ही कंसेंट भी लिख के दी थी। वो रिटर्न में कंसेंट है कि भाई हमें वहाँ ना भेजा जाए, और वहाँ पे भी आईसीयू बेड सब तरफ उपलब्ध नहीं, उस समय शायद नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे रखा जाए, हम इलाज से मतलब मरीज को यहीं पे इलाज करना चाहते हैं, उन्होंने लिखित में भी दिया था। तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि ऑक्सीजन की कमी से या इलाज में कोई लापरवाही हो तो ये घटना घटी। दूसरा मरीज थे सीवी मेश्राम जी, वो हमारी सिस्टर हैं, जो स्टाफ हैं उनके फादर थे। उनकी भी हालत बहुत ख़राब थी, वो एक ही दिन पहले भर्ती हुए थे रात में। उनको फेफड़े में भी संक्रमण था, उनका सीटी स्कैन वगैरह उस सब तरफ खराबी आई थी, उनको भी गंभीर हालत में थे, तो उनकी भी मृत्यु हुई। तो जो इलाज था वो उसमें कहीं कमी नहीं हुई, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में था। तो ये कहना बड़ा सरासर गलत है कि इलाज या ऑक्सीजन की कमी से उनकी मृत्यु हुई। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।